करता है। यौन हमें यहाँ से वहाँ जाने में मदद करता है। इसका उपयोग सुरक्षित सड़क पार करने के लिए किया जाता है और यह विशेषकर स्कूल और अस्पतालों के आसपास होता है। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि विकलांग लोगों और बच्चों के लिए भी किया जाता है ताकि सड़कों पर सफर करना सुरक्षित हो सके। हम जानेंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग का विकास कहां से आया। 1949 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत की। इसके बाद सफेद और काली पट्टियां जो एक जेब्रा की गाड़ियों की याद दिलाती है। उन्हें वाहन चालकों के लिए अधिक से अधिक दिखाई देने योग्य बनाना। इस छोटी सी जानकारी के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि सड़क सुरक्षा आप सभी की जिम्मेदारी है, चाहे आप वाहन चालक हो या पैदल यात्री। जेब्रा क्रॉसिंग का सम्मान करें और सड़क पार करते समय सावधानी बरतें। आइए हम सभी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और